हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज 24 फरवरी की तो सीआरपीएफ एससीएम ऐसा स्टोन एग्जाम चल रहे हैं, तो उनका फर्स्ट एग्जाम छूट चुका है। तो बच्चे भी बैग ले जानेंगे, बच्चों से बात करेंगे, मतलब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या देखने मिला, और जो एग्जाम हो चुके हैं उनसे लेवल बढ़ा है, सेम वही आ रहा है एग्जाम का लेवल, है ना। तो भी मिलते हैं बच्चों, मतलब आप तो एग्जाम दे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, मतलब क्या बताना चाहेंगे पश्चाती को, कुछ कहना मतलब करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये करंट के जो अभी 2023 के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें तो स्पीड आ रहे हैं, करंट ज़्यादा आ रही, मतलब हाँ करंट के हिसाब ज़्यादा आ रही है। सितंबर से लेकर फरवरी तक का पढ़ लें अभी तक 2023 का, तो उसमें हो जाएगा क्वेश्चन। और रीजनिंग में सबसे टाइम ही ले रही, मतलब वो है जिसकी टाइमिंग अच्छी है वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा, जो टाइम मैनेजमेंट सही से कर, हाँ उसका पेपर बढ़िया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का वैसे इसका ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो समय नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर सेक्शन पे पहुँचते पहुँचते लोगों को सेक्शन मेन वाला खोल तो कोई दिक्कत नहीं है। बात ये पहले करो, हर बार सबमिट करो, सबमिट करने पर मतलब यही प्रॉब्लम कि आप सेक्शन जंप नहीं कर पा रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि वहाँ डर लगता है कि सबमिट हो जाए कहीं फाइनल ना हो जाए, तो इस वजह से वो सोचता है चार बार। अच्छा अच्छा, एक बात और के लिए, जैसे कि अगर हम एक जैसे मैथ का सेक्शन हम कर रहे हैं, मान लो कि ठीक है अगर हम जीएस में जाना चाह रहे हैं तो मैथ को सबमिट करने, अच्छा मैथ को सबमिट करने के बाद अगर हम उसको वापस फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते तो हो जा रहा है ना, वापस रिटर्न, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पूरा सबमिट कर दीजिए, ठीक है, अगर आप जीएस की मैथ को क्वेश्चन को जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें जब सबमिट करोगे दो तीन बार तो उसमें ऑप्शन आएगा यस यस जिले का हूं मैं, यहां से लोग वहां जाना नहीं चाहते। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, मान लीजिए जीएस के 25 क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद सबमिट किया, फिर हिंदी में आ गए, हिंदी का सबमिट किया, रीजनिंग में आ गए, रीजनिंग का सबमिट किया, मैथ में आ गए, ऐसी बात करें जैसे कि हम जो पिछला सेक्शन जीएस का सबमिट कर चुके हैं उसमें कोई मान लो हमने गलत कर दिया, दोबारा करना चाहते हैं देख सकते हैं ना, देख सकते हो, सेव करना पड़ेगा, पता चले आपने ऑप्शन लगा दिया और सेव नीचे नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे ने 10-20 भी किए 15 तो उसको अगर सेक्शन अगले में जाना चाह रहे तो वो कर जा सकता है, बाद में भी बैक आ सकते हैं, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर ये ध्यान रखे आंसर लगा सेव जरूर करें नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट वाला होता है, क्योंकि सेव एंड नेक्स्ट के नहीं कुछ टिक नहीं होगा, क्लिक करने में सबमिट ही नहीं होता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आंसर सही है। चलिए चलिए भैया, भाई लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस कर, देखिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिए, आपको ऐसे ही चैनल पे एग्जाम की एनालिसिस देखने को मिलते रहेगी, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाले एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू, मिल एग्जाम।